ब्रिटेन के एक जोड़े को ऐसा खजाना मिला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दंपत्ति को अपने घर की मरम्मत के दौरान करोड़ों के सोने के सिक्के मिले। दंपत्ति को 264 सोने के सिक्के मिले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, यूके के द टाइम्स के अनुसार दंपत्ति को रसोई के फर्श के नीचे 264 सोने के सिक्कों का एक अविश्वसनीय संग्रह मिला। यह जोड़ा नॉर्थ यॉर्कशायर में रहता है। इन प्राचीन सिक्कों की कीमत 250,000 पाउंड यानी 2.3 करोड़ रुपए हैं। दंपत्ति 10 साल से एक ही घर में रह रहे थे। अब कपल इस खजाने को स्पिंक एंड सन के जरिए नीलामी में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि सोने के सिक्कों का यह भंडार 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। द टाइम्स ने स्पिंक एंड सन के ग्रेगरी एडमंड के हवाले से कहा है कि यह देखना रोमांचक है कि वे खुले बाजार में क्या लायक करता है। दंपत्ति को यह सिक्का तब मिला जब उन्होंने मरम्मत के दौरान रसोई के फर्श को हटाया। सिक्के के एक धातु के बिस्तर के अंदर पाए गए थे जो कंक्रीट से सिर्फ 6 इंच नीचे दबे हुए थे। दंपत्ति को शुरू में लगा कि उन्होंने बिजली के केबल से टकराया है, लेकिन जब उन्होंने फर्श को उठाया तो उन्हें एक कप में सिक्कों का ढेर मिल गया। कप कोक की बोतल के आकार का था। जब दंपत्ति ने इसे निकाला तो पता चला कि ये सिक्के 1610 से 1727 ईस्वी तक या किसी रईस की संपत्ति थी जिसे इनके घर के नीचे दबा दिया गया था। इस अचानक दौलत से ये कपल करोड़पति बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।